हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है बार बार मन अनुराग के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेके आए कबीर सिंह के ट्रेलर का रिएक्शन। लाइक हम लोग तब से ही वेट करते थे जब से इसका टीजर आया था, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हो गई थी और काफी हद तक हमने इसका टीजर जो था वो अर्जुन रेड्डी के टीजर से भी कंपेयर किया था, तो एकदम सिमिलर ही लग रहे थे दोनों के दोनों। और साथ में ऐसे ही दिख रहा था कि शाहिद कपूर ने भी एकदम वो बोलते ना एकदम माचो इंटेंट पकड़ा हुआ है, साथ में कोई गुस्से वाला इंटेंट पकड़ा हुआ है जो सेम विजय देवरकोंडा ने तेलुगु वाली वर्जन में पकड़ा हुआ था, तो वो देखने में बहुत मजा आ रहा था। हाँ, वो थोड़ा सा हाई डिफरेंस लग रहा था, बट बाकी ये था कि शाहिद कपूर ने कहीं से भी इंटेंसिटी नहीं छोड़ी थी और वो एकदम ट्रू रीमेक लग रहा था और बहुत जबरदस्त लग रहा था। और ऐसा रीमेक था जिसका बिल्कुल हर कोई प्राउड होगा जो तेलुगु में वो मूवी देख चुका होगा अर्जुन रेड्डी। बाकी मैं सारे हिंदी फैंस को ये बोलना चाहूंगा, यार मैंने ये मूवी देखी हुई है तेलुगु में, आप लोग ये वाली हिंदी में मिस मत करना। जैसे ये मूवी आए ना इसमें बिल्कुल चढ़ के देखना, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है वो वही है संदीप वंगा जिन्होंने तेलुगु मूवी भी डायरेक्ट की थी। बहुत ही जबरदस्त डायरेक्शन थी यार, मैं सही बता रहा हूं, आप लोगों ने एक बार ये मूवी देख लेना आप लास्ट में खुश होकर निकलोगे। और खुश होकर मतलब इतनी सारी चीजें दिमाग में लेके निकलोगे ना और लास्ट में बस यही बोलोगे वाओ क्या देखा है मैंने, और प्लीज ये देखने जाना, बहुत जबरदस्त मूवी है। और मुझे पता है शाहिद कपूर जो है वो बिल्कुल इस रोल को बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं। ऊपर से उस मूवी में जो शालिनी पांडे ने रोल निभाया था वो इस मूवी में कायरा अडवाणी निभा रही हैं, तो वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके से वो कायरा अडवाणी उस रोल को निभाती है, क्योंकि कायरा अडवाणी की कैसी इमेज है कि लाइक वो एक फैशन डीवा है और वो बहुत जबरदस्त है। और मेनली क्या है वो मतलब बहुत एकदम बोलते हैं हटके रोल्स करती है और लाइक बहुत एकदम पॉश वाले रोल्स करती है नॉर्मली, बट ये वाला जो रोल है ये डिमांड करता है एकदम सिंप्लिसिटी और एकदम वैसे उनको रहना है, कुछ मतलब ज्यादा बोलती नहीं है पर जब बोलती है बहुत इंपैक्ट लाती है, ऐसा उनको एक रोल निभाना है। तो इसमें कायरा अडवाणी किस तरीके से पेश आती है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और मेन तो शाहिद कपूर का रहेगा कि शाहिद कपूर जो वो अर्जुन देवरकोंडा का लेवल है वो अचीव कर पाते हैं कि नहीं, या जो जिस मतलब जो एकदम होता है ना इंटेंसिटी जो बनाई थी अर्जुन रेड्डी ने वो ये सेम बना पाते हैं कि नहीं। तो बस अब देखते हैं यार, ट्रेलर देखने का वेट नहीं हो रहा है, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये रखा है सीन बहुत जोरदार है। बहुत सिंपल लग रही है सही में, जो मैं चाहता था वही हो रहा है। सॉन्ग बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोगों का पता नहीं मुझे बार बार घूस बंद आ रहे हैं। जोरदार यार, नेक्स्ट लेवल। जोरदार। इस गुस्से को लेके क्या करोगे तुम लाइफ में कबीर? तुम्हारा लेवल विदाउट अ कॉज। Goosebumps पे Goosebumps पे Goosebumps।
जबकि ये पहले मैंने मूवी देखी हुई है तेलुगु में, उसके बाद भी इतना रिफ्रेशिंग बनाना ना यार, मैं सही कहूंगा संदीप वंगा ने बहुत जबरदस्त काम किया है। क्योंकि जिन्होंने ये मूवी देखी भी है ना, मैं उनको उन फैंस को भी कहना चाहूंगा ये मूवी जरूर देखने जाना, क्योंकि इतनी जबरदस्त लग रही है। ऊपर से जो सॉन्ग्स बनाए गए हैं यार बहुत ही जोरदार है, क्योंकि मेरे को उसके अर्जुन रेड्डी के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगे थे, तो वही मैं इसे एक्सपेक्ट करूंगा कि बिल्कुल इम्पैक्ट डालेंगे। और मैं वही जैसे बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग मूवी लग रही है, पूरी की पूरी ऐसा लग रहा है अलग तरीके से बनाई गई। जैसे हमने जो तेलुगु फिल्म को हमने जब तमिल फिल्म से कंपेयर किया था, लाइक वर्मा करके भी इसकी रीमेक बनी थी अर्जुन रेड्डी की, तो वो फिल्म में हमने ये चीज देखी थी, काफी हद तक वो ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसे ही बस कॉपी करने की कोशिश की गई है। पर ये मूवी में देख रहे हैं एक अलग इंटेंट लाने की कोशिश की है, और संदीप वंगा ने पूरा फोकस डाला इस मूवी के अंदर और बहुत ही जबरदस्त बनाने की कोशिश की है। लाइक वो ट्रेलर की जब से स्टार्ट की गई ना, तब से ही संदीप वंगा ने बता दिया कि बिल्कुल मैं इसमें ट्रेलर में बताना चाहता हूं लोगों को कि आप जिसको देखने आ रहे हो कबीर सिंह को, वो बहुत ही जबरदस्त आदमी है, वो एंग्री है, वो बिल्कुल स्टबर्न है, वो किसी की बात नहीं सुनता और वो अपने में लगा रहता है, और वो कितना भड़का हुआ आदमी है वो चीज दिखाने की कोशिश की। सब वो हाथ से फिसल गया सब, नहीं एक जैसे वो दिखा देना किस तरीके से वो अपनी कामवाली के पीछे भागने लग जाते हैं, जैसे ही उनको पता लगता है उनकी कामवाली उनके घर के कांच तोड़ दिए यार इतनी छोटी सी बात के ऊपर, तो इससे पता लगता है कि उनका एंगर मैनेजमेंट इश्यूज जो हैं वो कितने भारी लेवल के, और उनको जब गुस्सा आता है तो किस तरीके से हिल जाते हैं, तो वो बिल्कुल कांच तोड़ने पर उनके पीछे भाग जाते हैं। फिर जो उनका जो दोस्त है वो उनको बोलता है कि भाई मैं तेरे को कि तू बार बार लड़कियों में क्या लगा रहता है, और उनको वो गर्मा गर्म फील हो रहा होता है तो बर्फ लेके अपनी पैंट के अंदर डाल देते हैं, तो उससे काइंड ऑफ वो इंटेंट पता लगता है। यही सेम चीज हमने उसमें देखी हुई है, पर यहाँ पे वापस देखना इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है। ऊपर से शाहिद कपूर की एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी, बिल्कुल न्यू इंटेंट लेके आए और नए तरीके से उसको अपने तरीके से कर रहे हैं और पूरा अपना कैरेक्टर बना दिया, कहीं से फील नहीं आने दे रहे, बिल्कुल अर्जुन देवरकोंडा की याद भी नहीं आने दे रहे, और पूरा का पूरा अपना एक फील लेके आए हैं उसके अंदर, बहुत ही जबरदस्त। ऊपर से कायरा आडवाणी की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है देखने में, और साथ साथ जैसे वो था ना कि जब उनके लव मेकिंग सीन्स आ रहे थे तो कैसे एकदम वो खिल उठती थी, और जब उनके वो एकदम बोलते ना वो उनको क्लास से उठाने आए कि आज किसी क्लास है, तो बोले एनाटॉमी की, तो बोले आओ मेरे साथ पढ़ो, तो उनके साथ पढ़ने जाती है, तब एकदम वो एकदम सिंपलिस्टिक फील लेके आती है और एकदम सादा सादा मुंह रखती है, तो वो सब चीज में कायरा आडवाणी बहुत अच्छी लग रही है। और बाकी सब जो है ना, पूरा ट्रेलर बहुत ही धमाकेदार लग रहा है यार, हर एक चीज जोरदार, बहुत बार देखने का मन कर रहा है, और जितनी बार देख रहा हूं उतनी बार गूज़बम्स आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मैंने अर्जुन रेड्डी भी देखी है, बट उसके बाद ये मूवी पूरी टक्कर की लग रही है, और संदीप वंगा ने बहुत जबरदस्त काम किया है और एक बोलते ना एक नॉच अबव ले जाने की कोशिश की है, और यार ये मूवी तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना बनता ही है, तो आप लोग ये मूवी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा यार, बहुत जबरदस्त मूवी है, और जैसे ही तैसे करके बस ये मूवी देख लेना यार। जो भी यूथ वाले लोग हैं ना, तो वो तो बिल्कुल मिस करना ही मत, और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी बिल्कुल मिस मत करना, मतलब कोई मिस मत करना यार, बहुत जोरदार मूवी है। तो आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। We'll be right back.